पहले तो आपको नया चैनल आपने शुरू किया, बहुत अच्छा नाम है, टाइटल धन्यवाद आवारा और लाल रंग दोनों। यस यस। क्या कॉन्सेप्ट था, कब से मतलब इसकी तैयारी और प्लानिंग कर रहे थे आप? कॉन्सेप्ट जो था वो नियर अबाउट 10 मई से स्टार्टअप हुआ था। इस कॉन्सेप्ट का शुरुआत जो हुआ था 2022 इसी साल से हुआ हमारा कॉन्सेप्ट चालू। फर्स्ट म्यूजिक का कंपनी का नाम क्या रखे, कैसा रखे, थोड़ा सोच में 2-3 ऑप्शंस थे क्या रखे, तो ऐसे कुछ नाम देख रहे थे हम कैची। और क्या हो गया था ना, जब हम दोनों पार्टनर्स जहाँ मिले, हम जहाँ था सेम थिंग ना, ऐसा कुछ म्यूजिक बज रहा था तो वो सॉन्ग आवारा था, तो ऐसा कुछ हमने सोचे कि मतलब चलो यार आवारा एक वर्ड बहुत अच्छा है, तो मतलब चलो क्यों ना इसकी शुरुआत की जाए, है ना। तो फिर सेकेंडली फिर बाद में हम जैसे एक स्टार्टअप हुआ हमारा दोनों का प्रॉपर, उसके बाद सॉन्ग का आया। सॉन्ग में हमारे जो कैंग साहब हैं, RJ कैंग, उन्होंने काफ़ी अच्छा हमें सपोर्ट दिया। लिरिक्स में हमें विनय कोचर जी ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया। काफ़ी लिरिक्स तो ये काफ़ी लोगों के लिए बना था, इनको वो उनके लिए बहुत बड़ा ड्रीम था ये लिरिक्स का, इनका भी उन्होंने काफ़ी कोई मेहनत की है लिरिक्स में, विनय जी ने। उसके बाद उन दोनों से जैसे मुलाकात हुई सावी से, उन्होंने फिर ये सॉन्ग सुनाया, हमने पहले ही टाइम पर ये बुक कर लिया, मतलब चलो यार ये आप ये गाना हमको चैनल के साथ चलाना है, करके करना है। स्टार्टअप किया, शुरुआत हुई हमारी। उसके बाद जैसे गाना का एक पहले ऑडियो हुआ, उसके बाद फिर थोड़ा टाइम ऑफ हमारा बीच में थोड़ा गैप भी हुआ, चलो मतलब कैसे करते, फिर थोड़ा अकेला सब कुछ सावी को करना था, क्योंकि मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ तो मेरा बाकी भी बिजनेस देखना पड़ता था, तो सावी के ऊपर पूरा काफ़ी प्रेशर था कि इसको कैसे करना। डायरेक्ट खुद ने किया, उसने सबको लाइनअप कराना, बिंग सब कुछ, ये वो डांस की प्रैक्टिस करवाना, एक्टर को सिलेक्ट करना, सारी चीज़ें उसने बहुत अच्छा मेहनत किया उसके लिए। ओवरऑल मेहनत उसने काफ़ी की है, इस हमारे टीम के और बाकी टीम ने भी काफ़ी मेहनत की है, मेरे DOP ने मेहनत की है, उसके बाद कुछ मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मेहनत की है, विशाल ने काफ़ी अच्छी मेहनत की, एज अ फ्रेंड उसने बहुत मेहनत की उसने भी, और इसी तरह हमारा एक शुरुआत होगी लाल रंग का, है ना। तो इस तरह के सब देखो आगे तो अभी सक्सेसफुल हो जाए, देखो अभी कैसा है कि लोगों को कितना अच्छा लगता है। आज तो चलो स्क्रीनिंग में तो काफ़ी अच्छा लगा सभी को, और आगे सभी के लिए अच्छा लगेगा। क्या कहना चाहेंगे, कैसा रिस्पॉन्स रहा आपको? मुझे तो सॉन्ग सुन के काफ़ी अच्छा लगा, और सबसे पहले बात तो भाई की जो शुरुआत थी वो काफ़ी अच्छी रही। मुझे भी मतलब पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो अभी जैसा एक्चुअल में ये स्टार्टअप जो हुआ है, और जैसा मॉम को मतलब काफ़ी मिस किया है हमने इस चीज़ के बारे में, और वैसे तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जीत को और सावी को। वही एक्चुअली जो जैसे भैया ने एक्सप्लेन किए कि जो है सही समाज से समाज संगठित होने के लिए ये करनी सेना की शुरुआत की गई थी, तो वही है। और साथ ही साथ जैसे ऑलरेडी जैसा भी बोला कि भाई म्यूज़िक लवर होने की वजह से ऐसा है कि पहले से एक सपना रहा है कि भाई एक खुद का एक म्यूज़िक चैनल हो और उसमें काफ़ी अपना खुद का एक जैसा सॉन्ग्स वगैरह हो। सो अभी बस उसकी शुरुआत है, अभी काफ़ी और काफ़ी लंबी जर्नी अभी करना बाकी है। सो मेरे तरफ से तो बेस्ट, ऑल द बेस्ट। करनी सेना का पूरी टीम का कितना सपोर्ट रहा लाल रंग पे जो है? काफ़ी सपोर्ट रहा मेरी टीम का, ऐसा सभी के विशेष आ रहे हैं, सबको मेरे इंस्टा आईडी पे, फेसबुक आईडी पे सबको दिख रहा है, व्हाट्सअप स्टेटस सब देखते हैं, सभी को इनविटेशन भेजा था, कुछ कारणवश नहीं आ पाए, और काफ़ी उनके विशेष तो है साथ में, कुछ अच्छा करना है समाज के लिए, कुछ अच्छा करना है बाकी बंदों के लिए, अच्छा करना है, काफ़ी स्ट्रगलर है उनके लिए भी अच्छा करना है। न्यू कमर्स के साथ हम उतरेंगे, आवारा एक ऐसा है कि न्यू कमर्स के साथ भी हम उतरना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ है, समाज के जितने भी रहेंगे और उनको भी ऑप्शन देंगे सभी को। और एक्टर की बात की जाए, क्या धर्म सर भी जो है आवारा म्यूजिक में दिखने वाले हैं? या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, बिल्कुल बिल्कुल, आप तो देख ही रहे हो भाई का। सर क्या कहना चाहेंगे आवारा म्यूजिक में, आप कभी मतलब क्या लगता है आपको इसमें ज्वाइन होना चाहिए, आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, अभी आगे में मैंने जैसा अभी बोला, मैंने अभी जस्ट जर्नी स्टार्ट हुआ है, अभी आगे के काफी सॉन्ग्स में वगैरह वैसी वो प्लानिंग रहेंगी, तो जैसा ही रहता तो सबको बिल्कुल दिख ही जाएगा। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जानकर कि भाई सैवी ने ये खुद डायरेक्ट किया है, ये बहुत अच्छी डांसर भी है, और कहानियाँ बनाना मतलब इसके बाएं हाथ का काम है, ये बहुत इजीली कोई भी गाना आप इसको दिखाएंगे फौरन उसकी एक स्टोरी बना के आपको बता देगी कि ये गाना ऐसे ऐसे होगा। तो आपने गाना देखा ही है कि बहुत अच्छे से इसने डायरेक्ट किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है, मतलब कहना बहुत आसान है लेकिन करना किसी काम को बड़ा मुश्किल है। तो और ये एज एक्ट्रेस बहुत अच्छी लग रही हैं, और भाई साहब भी इनके साथ
बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इनकी जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है, गाना भी बहुत अच्छा है और जो सिंगर की आवाज़ है वो बहुत अच्छी है। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये गाना बहुत अच्छा है, बाकी अब पब्लिक डिसाइड करेगी। देखिए वो कहावत है कि भाई जनता की आवाज़ नकारे खुदा, तो ये जनता डिसाइड करेगी कि क्या हिट है क्या फ्लॉप है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। तो ये स्टार्ट ही होता है लाल रंग से, सो द मोमेंट आई हर्ड द वर्ड सो आई थॉट कि मैं इसका नाम यही रखूंगी, दैट इज द ओनली रीजन, दैट्स इट, दैट्स अ वेरी सिंपल रीजन। बहुत प्राउड मोमेंट है ऑब्वियसली, मैं इसलिए इतना इमोशनल हो गई थी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि दैट आई हैव डन समथिंग रियली गुड, और बाकी देखते हैं क्या होता है। ये मेरी बहुत पहले की फ्रेंड है, और जब भी कोई बहुत स्पेशल काम करता है, और ये अकेले वन वुमेन आर्मी है ना, जीत भाई जुड़े, जीत भाई और उसने मिलके एक सपना बनाया आवारा म्यूज़िक का, उसको ये साकार करा, इसमें कितनी सारी मुसीबतें आई इसे, कैसे अकेले इसने मैनेज करा, ये बहुत बड़ी बात होती है। अकेले डायरेक्ट करना, पूरी टीम खड़ी करना, हम सब लोग मीडिया से तो जानते हैं, मुझे कन्विंस करना नॉन डांसर होके कि डांस करना है, और फिर रगड़ के मेहनत कराना, रात को मसाज करता था पैर की, तो मुझे याद है आज भी। तो बहुत कम समय में बहुत बड़ी चीज़ मैनेज करना अच्छा लगता है ये, और जब देखा ना तो एहसास हुआ कि चलो ठीक है, मैं कर सकता हूँ डांस आगे भी। बहुत हमने कंटिन्यू 10 दिन तक रिहर्सल करी, मेरी वजह से इसने भी करी, बहुत अच्छी डांसर है, कोरियोग्राफर हमारे राहिल भाई है, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी मेरे साथ। तो एक रहता ना कि आर्टिस्ट को हमेशा चैलेंजेस मिलते, उस चैलेंज से वो निखरता है, तो ये मेरा डांस का चैलेंज जो है निखरा, तो ये इसके पीछे कहीं ना कहीं शाबी का ही हाथ है। आगे भी मैं जैसे मेरी मूवीज़ आ रही है या कुछ आगे भी एल्बम्स आ रहे, तो अब मैं फ्रेंकली बोल सकता हूँ कि हाँ भाई मैं डांस कर सकता हूँ और मेहनत करके और आगे अच्छा करूँगा आगे। ऑब्वियसली शाबी ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ टीम वर्क, सीरियसली मेरी टीम, मेरे एक्टर्स, मेरे डीओपी अरविंद, अरविंद कहाँ हो? बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस थे, मैं जो हमारे पीछे हमारे डांसर्स थे उनसे बहुत कुछ सीखे, वहीं पे सीखा शूट के दौरान डांस की प्रैक्टिस कंटिन्यू करना, और कम समय में इतना सारा शूट करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, नई नई चीज़ें सीखने को मिली, आपको हर डायरेक्टर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं भी इस डायरेक्टर से बहुत कुछ सीखा हूँ, एक डांस सीखा हूँ सबसे बड़ी बात, वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते गया, तो अब मैं आगे भी ये बहुत काम आएगा, हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। First of all, I want to say I am not a director. मुझे डायरेक्शन का डी भी नहीं आता, बिकॉज डायरेक्टर इज अ वेरी बिग डेजिग्नेशन। आई कैन टेल माई टीम कि मुझे क्या चाहिए, मेरा एक विजन है जो मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ, तो अभी आई कैन कॉल माई सेल्फ अ डायरेक्टर, सीरियसली इट्स अ वेरी बिग डेजिग्नेशन, आई जस्ट ट्राई इट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो शब्द है, वर्ड है लाल रंग, ये हर इंसान के साथ कनेक्ट होता है, और सावी इज वेरी गुड फ्रेंड, सावी ने बोला अभिषेक एक गाना आ रहा है, चैनल बनाते हैं, कुछ करते हैं बड़ा। देखो गाना हर कोई बना रहा है, चैनल हर कोई बना रहा है, लेकिन जनता तक सही तरीके से पहुंचाना और जनता तक उनको प्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है, और जो हम आपके जरिए करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गाना और चैनल बहुत ज़्यादा तरक्की करे और जनता बहुत प्यार दे इसे, आप सबके थ्रू बहुत प्यार मिले, बहुत ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इंस्टा पे भी शेयर करें, प्यार दें, और ऐसे ही आगे आने वाले सभी गानों का इंतजार कर रहे हैं हम, उनके लिए बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग लेकर आ रहे हैं। लाल रंग तो एक शुरुआत है, सारे रंग आएंगे इसमें प्यार के, और बहुत सारे गाने आ रहे हैं बैक टू बैक, हर 15-20 दिन में महीने में एक से एक गाना हम आपको दे रहे हैं, आप इस पे इंस्टा पे जाएं, रील्स बनाएं, आजकल तो रील का जमाना है, लोग कनेक्ट हो चीज़ों से, यही तो हम चाहते हैं। चैनल लॉन्च तो जो हिसाब से हमने किया, शुरुआत जिस हिसाब से की है उसकी, वहाँ तो हम काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके हैं, और सेकेंडली जितना मेहनत मेरी टीम ने की है, सावी ने खासकर जितना मेहनत की है, विशाल भाई ने जो मेहनत की है, मेरी पूरी एंटायर टीम ने जो मेहनत की है, उनका तो मेरे लिए हमेशा बहुत बढ़िया काम रहेगा, आगे भी मेरे साथ कंटिन्यू रहेंगे, पूरी टीम मेरे साथ,
और अगली बार पैसा ज्यादा खर्च करोगे। टेनिस सेना से भी जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो एक यानी कैसा है कि वो एक हमारा सामाजिक संगठन है, वो एक अलग पार्ट है, बाकी ये इंटरेस्ट है और बस कर रहे हैं। अगर सर बात करें करनी सेना की, बात करें कहाँ जहाँ अन्याय होता है वहाँ पे जो करनी सेना होती है, तो इधर किस तरह से देखते हैं और इस लाल रंग में क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाल रंग ये उसको अलग ही, करनी सेना पार्ट अलग है थोड़ा, ये पार्ट अलग है। तो करनी सेना टीम किस तरह से शुभकामनाएं देगी? सभी की ब्लेसिंग तो है अभी हमारे साथ में, पूरा कम्प्लीटली ब्लेसिंग है। अब मुझे की ब्लेसिंग आ चुकी है पहले ही। ऑफ कोर्स आई एम फ्रॉम गुरगांव, या ही इज माय बिग ब्रदर उमर पालू।